मॉर्निंग गाइस, आई एम फाइनली इन मुंबई एयरपोर्ट। भाई पहला इंटरनेशनल ट्रेवल एयरपोर्ट, भाई पहला ट्रेवल, और भाई इतना दिक्कत बताएंगे, पूरा लंबा स्टोरी हुआ है मेरे साथ। आज पहला इंटरनेशनल ट्रिप पे ही ऐसा ऐसा हाल हो गया, होने का टाइम हो गया, दौड़ना पड़ेगा। भाई आज क्या ही हुआ है मेरे साथ, इतना गाइस फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेवल हो, जो जो हुआ है ना मेरे साथ अभी बताएंगे तो सुनते बनेगा अभी। चलो फ्लाइट में बैठते फिर बताते। पर हेयर इज द फ्लाइट, भाई इतना बड़ा यार। गाइस फाइनली हमारी प्लेन उड़ चुकी है तंजानिया देहरादून के लिए। आई एम सो एक्साइटेड भाई, बहुत दिक्कत हुआ इतना कि बता नहीं सकते। कुछ देर में धीरे धीरे बताते क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्लाइट में। देखो हिंदी मूवीज में KGF लगा हुआ है, 5 घंटे का फ्लाइट और इनसेन क्या ही हो सकता है। गाइस मैं आपको अब बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ एयरपोर्ट में। तो हुआ ये कि बोर्डिंग का जो गेट था ना, वहाँ पर आया तो मेरे पास रिटर्न टिकट्स था नहीं, यानी वैलिड रिटर्न टिकट्स था नहीं। तो बहुत देर बात किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। फिर इमीडिएटली मैंने इथियोपियन एयरलाइन का ही टिकट दोबारा से दर एसलम टू बॉम्बे बुक किया, तब जाके उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दी। अब टाइम हो गया था, आधा घंटा बजा हुआ, तो फटाफट इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक कराने के बाद फाइनली भाई प्लेन में हूँ। आज पहला फ्लाइट था और लगा कि आज ही छूट जाएगा। भाई फुल ऑफ नर्वस थे, लग रहा था जैसे कि बस फ्लाइट छूटा, बट फाइनली वी बोर्डेड द फ्लाइट। अब मिलते हैं आपको दर एसलम में। दोस्तों वरी थी, मैंने इन लोगों को ऑनवर्ड टिकट दिखाया कोरिया का, नैरोबी का, बट ये लोग कहते नहीं टिकट वैलिड नहीं है। भाई मैंने मैकमाई ट्रिप से पहले टिकट करवाया, फिर भी ये लोग कह रहे टिकट वैलिड नहीं। फिर अर्जेंटली मुझको 28,000 का टिकट दर एसलम टू वापस बॉम्बे करवाना पड़ा, तब जाके इन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। भाई ये अजीब है, यानी मैंने उन्हें ऑनवर्ड भी दिखाया, मैं वीजा ऑन अराइवल ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल, इसका मतलब ये तो नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट लेग स्पेस, तो पहली बार मैं एयरलाइन में ट्रेवल कर रहा हूँ, बट लेग स्पेस अच्छा खासा है, दिक्कत नहीं है उतना। और स्क्रीन में इंडियन मूवीज, वेट मैं आपको दिखाता हूँ प्लेन कैसे कैसे जा रहा है। ओके अरेबियन सी में अभी राइट नाउ, मैं खिड़की साइड विंडो सीट मिला नहीं, वरना मैं दिखना था विंडो सीट क्या भी आ रहा है। गाइस हेयर इज माय खाना, मैंने ऑर्डर किया है चिकन। ऑप्शंस तो ज़्यादा थे वेज नॉन वेज चिकन मटन के, बट चिकन ऑर्डर किया, ये है चिकन, आई डोंट नो ये क्या है, सैलेड, बिस्किट, ये क्या है पता नहीं, दैट्स इट, और कॉक, बस इतना ही। चलो अब इंजॉय करते खाने को। डेस्टिनेशन नहीं है इसके आगे भी, ट्रांजिट है। गाइज आई एम गोइंग टू गिव यू द रूम टूर। भाई इथियोपियन एयरलाइंस ने कुछ किया चाहे ने, रूम बेहतर दिया है, मस्त वाला रूम है। स्टार्टिंग बाथरूम से करते हैं, लुक एट द बाथरूम भाई, स्लाइडेबल डोर, एंड हेयर आई एम।
भाई लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये बाथरूम में और शीशा क्यों लगा था, आर पार क्यों दिखाई पड़ता है, ये समझ नहीं आता। दिखाते हैं आगे भाई, बेड देखो, टीवी जो लगा हुआ जो कि देखना है नहीं, और सबसे मस्त चीज दिखाऊं भाई, लुक एट द ब्यूटी, दिस इज अली जबाबा भाई, मस्त बालकनी, यहाँ मस्त से बैठो भाई। तो मैं आप लोगों को सीन समझाता हूँ मेरे साथ। तो हुआ ये कि अडीज अबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं उतरा, मैं उतरने के बाद मुझे लगा कि लेओवर 9 घंटे का है तो एयरपोर्ट पे ही वेट करना हो, बट वो लोगों ने मुझे होटल दिया फ्री में भाई। तो फिर मैंने वेब चेक इन में जो भी किया किया, बट होटल शानदार दिया, लुक एट द होटल भाई एंड लुक एट द ब्यूटी, और फ्री में खाना भी है तो ये सही है भाई। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा होगा भाई, लेकिन इथोपियन एयरलाइन भाई कचड़ा, मजाक नहीं। और भाई फ्लाइट टाइमिंग की बात करूँ तो मुंबई से दर असलम पहुँचाने में लगभग 5.5 घंटा लगा, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में ही ना एक पैसेंजर का तबीयत ख़राब हो जाता है जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया, बट टाइमली हम लोग पहुँच गए अडीस अबाबा इथोपिया। उसके बाद फिर वहाँ से एज ए बस शटल आया हम लोग को होटल में, यहाँ पर छोड़ के गया। तो नेक्स्ट रात का 12:10 को मेरा नेक्स्ट फ्लाइट है, ये अभी मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगले वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, तब पता चलेगा। गाइज फाइनली दिस इज़ द टाइम टू लीव द रूम, इस प्यारे से रूम को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे, बाय द वे वापस इसी रूट से आना है, एंड हेयर इज़ माई कार्ड। बाय बाय। रात 12:10 में फ्लाइट है तो अभी निकलना पड़ेगा, रात का 9 बज रहा है अडीस अबाबा में, वरना फ्लाइट लेट हो जाएगा। दिस इज द एंट्रेंस। भाई इस होटल का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, लुक एट द व्यू। गाइज लुक एट द होटल इंटीरियर यार, क्या ही खूब सजाया हुआ है ना, क्या मस्त लग रहा है ना। एंड आई एम सिटिंग एयर, बस का वेट कर रहे हैं, बस 10 मिनट में बस आएगा, उसके बाद फिर चलना है वहाँ, फिर एयरपोर्ट वो ले जाएगा, उसके बाद वहाँ से फिर दर असलम आ रहा हूँ मैं। तो गाइज फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, तो अडीस अबाबा के लिए डिपार्चर के लिए ऐसे लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। ये अडीस अबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। अभी रात का 10 बज रहा है और मेरा फ्लाइट लगभग 12 बजे का है। गाइस फाइनली वी एंटर इन द एयरपोर्ट, तो अब मुझको G3 गेट ढूंढना है। एंड लुक एट द एयरपोर्ट, बहुत खासा बड़ा है और अच्छा लग रहा है। गाइज लग रहा है मेरा गेट बहुत दूर है यार, तब से चल रहे हैं C1 C11 तब से शो कर रहा है स्क्रीन पे, बट चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। मॉर्निंग गाइज, तो मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवेंचर विद अंकित, और अभी मैं हूँ दर असलम तंजानिया में, और जो ये आप स्ट्रीट देख रहे हैं इस स्ट्रीट का नाम है मुहेजा स्ट्रीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी नई कंट्री में जाने सबसे पहले खरीदना होता है सिम, तो भाई बिना सिम के कुछ होता नहीं। आई एम सर्चिंग फॉर सिम, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि सिम कहाँ मिलेगा। गाइज तो फाइनली हमको सिम मिल गया 3000 तंजानियन सिलिंग्स में। गाइज अगर आपको यहाँ रोड क्रॉस करना है तो इंडिया की तरह यहाँ पर भी कोई रूल नहीं है, देखो सब कैसे क्रॉस कर रहे थे, ऐसे भी हमको भी ऐसा ही क्रॉस करना है। रुक जाओ, गाइज और शाम का 4 बज रहा है, स्कूल के बच्चे अभी घर जा रहे हैं, मतलब कि स्कूल का छुट्टी बहुत लेट होता है इधर। यू कैन सी कि बच्चे बहुत लेट जा रहे हैं घर।
गाइस पीछे मैंने उन भाइयों से सिम खरीदा, वोडाकॉम नाम का सिम है, उसके लिए मैंने पेड किया लगभग 3000 तंजानियन सिलिंगर। इंडियन करेंसी में बात करें तो ये लगभग 70 से 75 रुपया होता है। और फिर अगर बात किया जाए रिचार्ज का, तो भाई यहाँ इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है। इंटरनेट के लिए मैंने पे किया भाई 2 GB के लिए 180 रुपये लगभग पे किया है, 5000 तंजानियन सिलिंगर, तो इट्स क्वाइट हाई भाई भाई। और ये पूरा स्ट्रीट व्यू है मुहेजा टाउन का। शाम का 4:30 बज रहा है, फिर भी कितना धूप है आप देख लो। और अभी बच्चे घर जा रहे हैं, अभी मतलब कि छुट्टी हुआ है, यानी छोटे छोटे बसेस चलते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर भी जैसे इंडिया में कल्चर है ना कि फुटपाथ में बेचने का, वैसे यहाँ भी फुटपाथ में आपको हर चीज़ मिल जाएगा भाई। लेकिन गर्मी बहुत हो रहा है, मन कर रहा है जाके जल्दी से रूम जाए और नहा ले। और एक बात की वीज़ा अराइवल में मैं यहाँ आया था ना, तो वीज़ा लेने के वक्त वीज़ा चार्जेस है $50, बट आफ्टर इन इमिग्रेशन वो लोगों ने मुझसे पूछा कि ट्रैवल इटिनरी बताओ, फिर कितने दिन रुकोगे, क्या है रिटर्न टिकट वगैरह बताने के बाद $50 के बाद वो लोग बोलते हैं कितना मुझे दोगे। फर्स्ट तो उन्होंने आस्क किया कि $50 चाहिए मुझे, फिर बोला मैंने कि नहीं $50 तो मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर उन्होंने मुझसे बोला, फिर बार्गेनिंग किया तो लास्टली $10 मांग के माने। तो भाई वीज़ा ना अराइवल अगर तंजानिया में लेना है तो $10 पे करना होगा एज ए ब्राइब। तो गाइस फाइनली मैं अपने रूम आ गया, क्योंकि भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फाइनली मैं अपने रूम आ गया। तो ये था आज के लिए इतना ही वीडियो। कल से हम लोग इनर अफ्रीका यानी इनर तंजानिया में जाने वाले हैं, एक नाम है कोमा आइलैंड करके, तो उस आइलैंड की तरफ हम लोग कल निकलने वाले हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो, और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल।